12 चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आज हमारा टॉपिक है बजट सेट एंड बजट लाइना। ये लास्ट टॉपिक है बजट सेट एंड बजट लाइन। पहले हम पढ़ेंगे बजट सेट होता क्या है। बजट सेट, अब बजट सेट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स डेट अ कंज्यूमर कैन परचेज विथ अ गिवन अमाउंट ऑफ इनकम गिवन द प्राइजेस ऑफ टू कॉमोडिटी। बजट सेट, बजट सेट वो होता है जिसमें दो वस्तुएं का पूरा जितना भी क्या होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है, जितना ही कंज्यूमर एक उपभोक्ता परचेस कर सकता है किसमें, अपनी इनकम में, और किसके बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर, किसकी प्राइस, कॉमोडिटी वस्तुओं की प्राइस पर। बजट सेट वो होता है जो क्या करता है, दो कॉमोडिटी जो एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो वो परचेस किस बेसिस पर करता है, उसकी इनकम के बेसिस पर करता है जब वो दोनों कॉमोडिटी की वस्तुएं की प्राइस दी हुई होती है। बजट सेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। बजट सेट दो फैक्टर पर क्या होता है, निर्भर होता है। पहला कंज्यूमर्स मनी इनकम, पहला होता है उपभोक्ता की इनकम के ऊपर। सेकेंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, और दूसरा वो डिपेंड होता है बजट सेट जो कॉमोडिटी हम परचेस करना चाह रहे हैं दो उनके प्राइस के ऊपर, उनकी कीमत के ऊपर। और बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। तो बजट सेट वो होगा जिसमें जो कॉमोडिटी जो उसने क्या की है, परचेस की है, परचेस करना चाहता है, तो वो क्या होती है, उसकी इनकम से या तो कम होगी उसकी प्राइस, या तो उसकी इनकम से क्या होगी, इक्वल होगी। बजट सेट को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, हैंस P1X1 प्लस P2X2 लेस देन या इक्वल टू M। M मतलब होता है मनी, मनी इनकम, वेयर इन हम डिटेल में पढ़ेंगे। P1 और P2 क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड 1 एंड 2। X1 एंड X2 होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स 1 एंड क्वांटिटी ऑफ गुड 2। M होता है मनी ऑफ, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो अभी हमने पढ़ा था बजट सेट वो होता है क्या इंक्लूड करता है, जिसमें हमने जो कॉमोडिटी परचेस की है उसकी प्राइस, प्राइस मनी से या तो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए। तो इसे इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं बजट सेट को। ये बजट सेट कंप्लीट हो गया, मीनिंग हो गई बजट सेट की, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बजट सेट को हम डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझेंगे आगे। इसके पहले हम पढ़ेंगे बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन क्या होती है, प्राइस लाइन क्या होती है। अब बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, इट इज़ नोन एज प्राइस लाइन, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन डेट कैन बी शोन एज ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ डायग्राम। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ टेबल एंड अ डायग्राम। इसके पहले हमने बजट सेट पढ़ा है, अब है बजट लाइन। बजट लाइन वो होता है जिसे हम ग्राफ में ग्राफिकली क्या करते हैं, बजट सेट को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बजट लाइन को प्राइस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये अलग अलग कॉमोडिटी का क्या करता है, कॉम्बिनेशन शो करता है। और जो बजट लाइन होती है, जो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, जिसे हमने डायग्राम में बताया, हम डायग्राम में इससे समझेंगे। तो बजट लाइन को और प्राइस लाइन को टेबल और डायग्राम के थ्रू क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। टेबल दे रखी है बजट सेट, टेबल देखेंगे हम पहले। बजट सेट में तीन कॉलम है, पहला है कॉम्बिनेशन, सेकंड गुड्स एक्स, थर्ड गुड वाई। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ तक दे रखा है। गुड दे रखा है, जो एक गुड है वो दे रखा है गुड्स 0 से 5 तक, और एक गुड वाई दे रखा है 10 से 0 तक। अब हमारा क्या देखेंगे, बजट लाइन का जो क्या है डायग्राम है, ग्राफिकली जो प्रेजेंट किया गया है वो देखेंगे। तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पर, एक्स पर हमने गुड एक्स को शो किया है और वाई को हमने किस पर, तो हमें निकालना है बजट सेट निकालना है, जो हमारा फॉर्मूला है। पी एक्स दे रखा है हमें ₹4 पर यूनिट, पी वाई ₹2 पर यूनिट, इनकम 20। तो हम पहले ए का देखेंगे, ए में, एक में जो गुड एक्स है वो 0 है और गुड वाई कितना है 10 है। तो एक्स में हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारा P1X1 प्लस PYX2 इक्वल M। तो P हमने यहाँ पर 0 पुट किया, इनकम हमारी कितनी है पर यूनिट दे रखा है, प्राइस 4 हमने मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमने लिखा 10 इंटू 2,
तो कितना आ जाएगा 20 हो गया इनकम। तो हमारा क्या था उसमें, या तो इनकम से लेस देन होना चाहिए, इनकम के इक्वल होता है। देन बी में भी हम सेम एज इट इज़ निकालेंगे, सभी में क्या आएगा इनकम 20 आनी आएगी। जैसे बी का 1 है, इनकम हो गई 4 पर यूनिट, देन प्लस किया हमने वाई वाला 8 इंटू 2 इक्वल 20। तो ये भी इनको भी हम सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। ऐसे सी का निकालेंगे तो ये इसका भी ऐसे ही आएगा। देन डी का, ई का, एफ का, सी का और निकाल के बता देती हूँ मैं आपको एक बार। फॉर्मूला हमने ये पुट किया, देन उसके बाद हमने वैल्यू रखी 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया, सो सी का हमारा 2 है ना, 2 में किसका मल्टीप्लाई किया 4 का मल्टीप्लाई किया, और इधर 6 दे रखी है वाई, तो 6 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हो गया हमारा ये भी 20। तो सब में क्या आ रहा है, हमारी इनकम कितनी आएगी 20 आएगी। अब हम डायग्राम के थ्रू इसको एक बार और समझेंगे कि बजट सेट और बजट लाइन को हम कहाँ शो करते हैं। रखा है बजट सेट का या बजट लाइन का? बजट ये देखेंगे हम इसे, तो एक्स एक्सिस बना दी, एक्स यूनिट और वाई यूनिट बना दी। देन यहाँ पर एक लाइन शो हो रही है आपको ब्लू वाली, तो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये होती है बजट लाइन। इसके अंदर जो येलो दिख रहा है आपको कलर, ये होता है बजट सेट। मतलब बजट लाइन के जो अंदर होता है वो होता है बजट सेट। जी पॉइंट शो अस दैट ए गिवन प्राइस, ए कंज्यूमर परचेस एक्स यूनिट्स एंड वाई यूनिट्स। जी क्या दे रखा है हमें, प्राइस दे रखी है जी वाला पॉइंट। ये क्या बता रहा है कि कंज्यूमर ने एक्स यूनिट, एक्स कमोडिटी उसकी यूनिट परचेस की और वाई की परचेस की। प्राइस तो कर रहा है किसकी, एक्स यूनिट की और वाई यूनिट की। एंड ही स्टिल हैज़ मनी बिकॉज ही हैज़ नॉट स्पेंड इट ऑल। और जी क्या है उसके पास, ये पॉइंट ये बता रहा है कि कंज्यूमर के पास अभी भी क्या है, इनकम है, पैसे हैं। क्यों है? क्योंकि उसने पूरी उसकी इनकम खर्च नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी इनकम ख़त्म कहाँ होती, ये ब्लू लाइन पर ख़त्म हो जाती, लेकिन उसने स्पेंड कितना किया, ये जी पॉइंट यहीं तक स्पेंड किया। तो क्या है उसके पास अभी भी इनकम है, अभी भी मनी है। तो जो लाइन हमारी बजट लाइन कब आएगी, जब कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो जाती है, तो तब आती है बजट लाइन। और बजट सेट वो होता है जो उतना क्या करता है, वो सेट करके रखता है, तो वो होता है बजट सेट। बजट लाइन इस प्रकार बनती है जो ब्लू में दिख रहा है आपको इस टाइप से, और बजट सेट होता है बजट लाइन के अंदर होता है, जैसे जी पॉइंट में हम शो कर रहे हैं, अलग पॉइंट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन के फीचर्स क्या। पहला, अब बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम इज स्पेंड। जो बजट लाइन है वो एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो उससे क्या एज्यूम करता है कि हमारी जितनी भी इनकम है टोटल कुल इनकम क्या हो गई, खर्च हो गई। सेकेंड, स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ टू गुड्स। जो बजट लाइन का स्लोप होता है, जो ढाल होता है, ये वाला ढाल, ये किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है दो वस्तुओं की कीमत पर डिपेंड करता है। जैसे द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, इस प्रकार हम लिखते हैं उसे, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइज ऑफ एक्स कॉमोडिटी और प्राइज ऑफ वाई कॉमोडिटी। थर्ड, इट इज़ अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व विच इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ वन गुड इज फॉलोड बाई डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द अदर्स। जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, और वो क्या शो करता है, जब एक कॉमोडिटी का कंजप्शन क्या हो रहा है, एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, तो दूसरी वस्तु का उपभोग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने टेबल में देखा था एक्स और वाई का, एक्स क्या हो गई बढ़ गई, तो वाई क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो ये हो गया बजट लाइन एंड बजट सेट कंप्लीट, एंड अब वो चैप्टर 2 इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड।